हेलो स्टूडेंट्स, ईवीएस का चैप्टर 14 अर्थ एंड यूनिवर्स पढ़ेंगे। वी ऑल लिव ऑन प्लैनेट अर्थ, हम सब धरती पर रहते हैं। प्लैनेट मींस ग्रह, जो हमारा ग्रह है वो कौन सा है? अर्थ, पृथ्वी। इट इज आवर होम एंड वी मस्ट टेक केयर ऑफ इट, ये हमारा घर है पृथ्वी और हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। द शेप ऑफ द अर्थ इज लाइक ए बॉल, जो शेप है अर्थ का वो बॉल जैसा है। इट रिवॉल्व अराउंड द सन, और ये किसकी परिक्रमा करता है, किसके चक्कर लगाता है अर्थ हमारी? इट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के चारों ओर चक्कर लगाती है हमारी धरती। द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वॉटर, और अर्थ किससे बनी है? पानी और जमीन से। लैंड कवर्स 1/4 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो लैंड है वो 1/4 हिस्सा है पृथ्वी का। द रिमेनिंग 3/4 आर कवर्ड विद वॉटर, और जो बाकी बचा हुआ है 3/4 हिस्सा वो हमारा क्या है? पानी का है, पानी से है, पानी भरा हुआ है पृथ्वी पर। ठीक है, 1/4 हिस्से पे पानी है और 1/4 पर जमीन है। ए मॉडल ऑफ द अर्थ इज लाइक ए ग्लोब, जो मॉडल होता है वो अर्थ का, ये ग्लोब है, ग्लोब की पिक्चर है, जो कि कैसा है मॉडल ऑफ, जो मॉडल है अर्थ का उसको कहते हैं हम ग्लोब। इन ए ग्लोब द ब्लू रीजन शो द ओशियन, जो इसका ये ब्लू रीजन है वो हमें ओशियन बताता है। एंड द वाइट एरिया आर कॉन्टिनेंट्स, और जो इसमें वाइट एरिया होता है वो हमें कॉन्टिनेंट्स बताता है। लैंड फॉर्म प्लेन्स आर फ्लैट एरिया ऑफ लैंड, जो प्लेन्स होते हैं समतल जैसे, ये प्लेन समतल जमीन, वो क्या होता है? फ्लैट एरिया ऑफ लैंड, वो क्या होता है? फ्लैट एरिया होता है जमीन का, भूमि का। मोस्ट ऑफ द सिटी आर प्लेन्स, बहुत सारे शहर, ज्यादातर शहर प्लेन्स एरिया में ही बने हैं। प्लेन्स आर गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप, और जो प्लेन्स एरिया होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रोइंग क्रॉप के लिए अच्छे होते हैं, फसल उगाने के लिए अच्छे होते हैं। द प्लेन्स आर यूजली हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर, जो प्लेन्स एरिया होते हैं वो क्या होते हैं? विंटर में ठंडे होते हैं और गर्मियों में गर्म होते हैं। मैनी पीपल लिव्स इन द प्लेन, ज्यादातर लोग प्लेन्स में ही रहते हैं। डेजर्ट आर लार्ज एरिया ऑफ द लैंड, ये होता है डेजर्ट, रेगिस्तान वाला डेजर्ट एरिया होता है। डेजर्ट आर लार्ज एरिया ऑफ लैंड दैट आर कवर्ड विद सैंड एंड रॉक, जो डेजर्ट वाला एरिया होता है उसमें क्या होता है? रेत होती है और रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं। देयर इज वेरी लिटिल वाटर इन ए डेजर्ट, और पानी की मात्रा बहुत कम होती है। वेरी फ्यू ट्रीज एंड एनिमल्स आर फाउंड देयर, और कुछ तरह के ही पौधे पाए जाते हैं, एनिमल्स भी पाए जाते हैं कुछ ही, जैसे ये कैक्टस पाए जाते हैं डेजर्ट में। मोस्ट कॉमनली सीन प्लांट इन डेजर्ट इज ए कैक्टस, जो कॉमनली सीन ज्यादातर पाए जाते हैं ये इस तरह के कैक्टस। एंड एनिमल इज ए कैमल, और जो एनिमल होता है वो कौन सा होता है? कैमल। ओके, हिल्स एंड माउंटेन आर एलिवेटेड रॉकी एरिया, जो ये पहाड़ी इलाका होता है वो क्या होता है? रॉकी होता है। दे आर मच हायर देन प्लेन्स, और ये क्या होता है? बहुत ही ऊंचे ऊंचे होते हैं प्लेन्स के कंपैरिजन में। फ्यू पीपल्स लिव इन हिली एरिया एज कंपेयर टू प्लेन, और कुछ ही लोग रहते हैं यहाँ पर हिली एरियाज में, प्लेन्स में ज्यादा रहते हैं। हाई हिल्स आर नोन एज माउंटेन, और जो ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? माउंटेन। हाई हिल्स आर नोन एज माउंटेन, जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं हिल्स उनको हम माउंटेन्स बोलते हैं। इट इज वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर इन द माउंटेन्स, जब सर्दियां होती हैं तो यहाँ पर बहुत सर्दी होती है। हाई माउंटेन पीक्स आर कवर्ड बाय स्नो, और जो ऊंचे वाले इलाके होते हैं ये क्या होते हैं? बर्फ से ढक जाते हैं। When the snow on mountain melts, river are formed. और जब इसकी जो बर्फ होती है melt होती है तो क्या होता है? वो पानी में rivers में बहकर आती है और नदियां बन जाती हैं ऐसे। When the snow of mountain melts, river are formed. और इस तरह से melt होके आती है और इस तरह से नदियां, पानी जो बर्फ होती है वो melt होती है, पिघलती है
माउंटेन से और नीचे बहती हुई आती है, तो इस तरह से नदियां बन जाती हैं। वैली, अब वैली क्या होता है, वैली होती है घाटी, ऐसे बीच वाली मिसाल घाटी। वैली आर द लो लैंड बिटवीन माउंटेन और हिल, जो ये बीच का हिस्सा होता है माउंटेन और दो माउंटेन के बीच में, इस तरह से लो लैंड होता है जो बीच का माउंटेन का, उसको हम बोलते हैं वैली। द लैंड इन ए वैली इज फर्टाइल एंड गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप, और जो इसका जमीन होती है वो क्या होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, और ग्रोइंग और गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप, और फसल उगाने के लिए भी बहुत अच्छी होती है, उपजाऊ होती है। वैली आर यूजली डेंसली पॉपुलेटेड, और जो वैली एरिया होता है वो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड होता है, ओके, ज़्यादा घना पॉपुलेशन वाला होता है। फॉरेस्ट आर, फॉरेस्ट क्या होते हैं, इस तरह से जंगल होते हैं उन्हें हम फॉरेस्ट बोलते हैं। फॉरेस्ट आर लार्ज एरिया कवर्ड विद थिक ट्रीज एंड प्लांट्स, जो फॉरेस्ट होता है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं बड़े बड़े, कई तरह के ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के, तरह तरह के प्लांट्स होते हैं और ट्रीज होते हैं, और बहुत घने घने होते हैं, तो उसे हम कहते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर लार्ज एरिया कवर्ड विद थिक ट्रीज एंड प्लांट। इट इज़ ए होम ऑफ मैनी वाइल्ड एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट, और जो जंगल होता है उसमें बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, पक्षी रहते हैं, कीड़े मकोड़े कीड़े रहते हैं। इट्स ऑल्सो प्रोवाइड मैनी यूजफुल प्रोडक्ट्स टू ह्यूमन बींग, और ये हमें बहुत तरह के ह्यूमन बींग्स को अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स भी देते हैं, जैसे कि वुड, पेपर, रबर एक्सेट्रा, लकड़ी देते हैं, पेपर देते हैं, पेपर भी किससे बनता है, पेड़ से ही बनता है, रबर भी हमें मिलती है पेड़ के, रबर प्लांट होता है उससे, और लकड़ी भी हमें ट्री से ही मिलती है। वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज क्या होता है, ओशियन, सी, रिवर्स एंड लेक्स आर वाटर बॉडीज, जो ये समुद्र होते हैं, सागर होते हैं, ये सब क्या है, वाटर बॉडीज। एंड ओशियन इज ए वेरी लार्ज वाटर बॉडी, जो ओशियन होता है वो बहुत ही बड़ा पानी का स्रोत होता है, वाटर बॉडीज होता है, वाटर बॉडी होता है। देयर आर फाइव मेन ओशियन इन द वर्ल्ड, दुनिया में पांच मेन ओशियंस होते हैं। ए सी इज ऑल्सो अ लार्ज वाटर बॉडी, सी भी एक बहुत बड़ा पानी का वाटर बॉडी होता है। वाटर ऑफ सी एंड ओशियन इज नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग एज इट इज सॉल्टी, जो समुद्री पानी होता है समुद्र का और सागर का, वो उसे हम पी नहीं सकते। क्यों नहीं पी सकते, क्योंकि उसका पानी नमकीन होता है, खारा होता है, तो उसे हम में नहीं पी सकते। नेम द फाइव मेन ओशियंस, अब हमें इस तरह फाइव ओशियंस के नेम लिखने हैं। तो पहला है हमारा पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्टिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड साउदर्न ओशियन, ओके। ए रिवर इज ए वाटर बॉडी दैट फ्लो टूवर्ड द ओशन, अब रिवर ऐसी रिवर्स नदियाँ होती हैं, वो क्या होती हैं, बहती हुई कहाँ जाती हैं, ओशियंस में जाती हैं। रिवर गंगा इज द बिगेस्ट रिवर इन इंडिया, जो हमारे देश में गंगा नदी है वो सबसे बड़ी रिवर है हमारे देश की, इंडिया की। रिवर, रिवर मीन्स नदी। ए लेक इज ए वाटर बॉडी ऑफ फ्रेश वाटर, और जो लेक्स होती हैं, लेक्स मीन झील, झीलें होती हैं, उनका पानी कैसा होता है, फ्रेश होता है, जो कि पीने के लायक होता है, फ्रेश होता है, एज वेल एज सॉल्टी वाटर भी होता है, फ्रेश भी होता है और एज वेल एज सॉल्टी वाटर। विच इज सराउंडेड बाय लैंड, जो किससे घिरा होता है, चारों तरफ जमीन से घिरा होता है। डू यू नो वुलर लेक इन कश्मीर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, जो कश्मीर की वुलर लेक है वो दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, झील है। अब हम इधर देखेंगे, पेस्ट द पिक्चर ऑफ एनी थ्री रिवर ऑफ द इंडिया, इसमें पिक्चर पेस्ट करना है इंडिया के कोई भी तीन नदियों की पिक्चर पेस्ट करना है। सन, सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर, सन क्या है, एक बहुत बड़ी बॉल है आग की। इट इज द बिगेस्ट, बिगर दैन अर्थ, और ये बड़ी है किससे, धरती से बड़ी है। इट लुक लाइक, इट लुक स्मॉल बिकॉज इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, और ये हमें छोटी इसलिए दिखती है क्योंकि ये हमारी धरती से बहुत दूर है, इसलिए हमें ये छोटी दिखती है। क्या दिखती है छोटा, क्या दिखता है छोटा, सन, सन हमें छोटा इसलिए दिखता है क्योंकि वो पृथ्वी से बहुत दूर है। द सन गेव अस हीट एंड लाइट, सन हमें क्या देता है, गर्मी और उजाला देता है।
हीट एंड लाइट देता है। द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। सूरज उगता कहाँ से है? ईस्ट से, और सेट कहाँ होता है? वेस्ट में। डूबता कहाँ है? वेस्ट में। ओके, मून। मून लुक लाइक ए सिल्वर बॉल एट नाइट। मून कैसे दिखता है? एक सिल्वर बॉल की तरह दिखता है रात में। इट इज मच स्मॉलर देन द सन, और ये बहुत ही छोटा है सन से। ऑल्सो इट इज स्मॉलर देन अर्थ, और ये हमारी पृथ्वी से भी छोटा है, अर्थ से भी छोटा है। देयर इज नो लाइफ ऑन मून एज देयर इज नो एयर और वॉटर ऑन द अर्थ। अर्थ पे ना तो कोई जीवन है, ना लाइफ है, ना ही पानी है और ना ही हवा है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। अर्थ की मून क्या है? वो रिवॉल्व्स करता है किसका? अर्थ के। अर्थ के चक्कर लगाता है मून। ओके, परिक्रमा करता है किसकी? अर्थ की करता है, पृथ्वी की करता है। इट्स शेप चेंज एवरी नाइट, और उसकी आकार, उसका शेप बदलता है हर रात को। जैसे ये पिक्चर में दिया हुआ है, इस तरह से चेंज होते रहते हैं शेप्स किसके? मून के। द पिक्चर बिलो शो द डिफरेंट शेप्स एंड फेसेस ऑफ द मून कंप्लीट देयर। तो जी, जो फुल पिक्चर बनी है तो उसको फुल मून, हाफ बना है तो हाफ मून, और जब नहीं है तो उसको न्यू मून कहते हैं। ओके, स्टार्स। देयर आर मैनी स्टार ट्विंकलिंग इन द नाइट स्काई। रात को चार बहुत सारे जो स्टार्स हैं वो चमकते हैं। स्टार्स में तारे चमकते हैं रात में। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू काउंट देम। और ये हमारे लिए नामुमकिन है कि हम सारे तारे गिन सकें। नाउ स्टार्स आर बींग बॉर्न ऑल द टाइम। न्यू स्टार्स आर बींग बॉर्न ऑल द टाइम। नए नए तारे बनते रहते हैं। ओके, ओल्ड स्टार ऑल्सो डाई। और जो पुराने तारे होते हैं वो मरते रहते हैं, डाई होते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं। द सन इज ए स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ। जो सन है वो भी एक स्टार है जो कि पृथ्वी के पास है, इसलिए वो बहुत बड़ा दिखता है। द स्टार आर बिगर देन द सन। और जो दूसरे स्टार्स हैं जो हमें छोटे छोटे दिखते हैं, वो क्या है? सूरज से भी बड़े हैं। बट दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार, वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। और लेकिन वो छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए वो छोटे छोटे दिखते हैं। ओके, प्रोक्सिमा सेंचुरी इज द क्लोजेस्ट स्टार ऑन टू द अर्थ अदर देन द सन। जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है वो क्या है? जैसे कि सन हमारे पास है, ऐसी वो भी एक तारा है जो कि दूसरा तारा है जो कि हमारी पृथ्वी से पास है। ओके, पहले सन है फिर ये है। पढ़ लेना बेटा चैप्टर और समझ लेना।